बिहार से जब आप दिल्ली आए, सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या था आपको? लड़कियां भाग करके डीटीसी बस में चढ़ रही थी। एक लड़की ने मुझे धक्का मार दिया, मैं गिर गया और वो जो है पहले चढ़ गई। कमला नगर में आपको छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, ओखला वगैरह के नॉन वेज, चांदनी चौक पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप कैसे समझाओगे? स्पिरिचुअलिटी इज नरिशिंग योर सोल। दिमाग में ना कनेक्शन जा रहा है भगवद गीता के उस पे। ना मैं किंग हूँ ना कोई मेरा किंगडम है, मैं एक अकेला चलने वाला मुसाफिर हूँ। आप अपनी फिल्म की सक्सेस कैसे मेजर करते हैं? आपको नहीं अच्छी लगी, उनको अच्छी लगी, उनको अच्छी लगी, इनको नहीं अच्छी लगी, ये नहीं कि अरे 100 करोड़ कमाया यार, ये तो बड़ी कमाल हो गया, ये तो अच्छी फिल्म है। ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर एक मनोज बाजपेयी है तो क्रिकेट के वर्ल्ड से एक महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी के पूरे शख्सियत को, पूरे व्यक्तित्व को मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसने सक्सेस को कभी करप्ट नहीं करने दिया। दिल्ली में गाली बहुत देते हैं ना बातचीत में, अरे क्यों किया मैंने ये। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? कौन बकलोल बर्दाश्त करे खातिर पियला? हम तो पियने की तरह के देख ही निहारी तरह के देखत रही। Hi guys, my name is Sadhika Sehgal. You're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. और मैं आज जिनके साथ बैठी हूँ उन्हें बोलते हैं इंडियन सिनेमा का लिविंग लेजेंड, मिस्टर मनोज बाजपेयी। हेलो सर, इट्स लवली टू हैव यू हियर। हाय साधिका, थैंक यू। मैंने कुछ टाइम पहले एक्चुअली मेरे डैड बैठ के रील्स देख रहे थे अपने फ़ोन पे, और उनमें से एक रील थी फैमिली मैन के ऊपर, और वो एक्चुअली ना एक सीन था, वो सीन था उस शो में से जिसमें आई थिंक उनके बेस्ट, आपके बेस्ट फ्रेंड की डेथ होती है एंड आप इतने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होते हो, आप फ़ोन उठाते हो अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए बट आप वो रख देते हो जल्दी, आप कुछ बोल नहीं पाते और वो ऐसा लगता है कि आपके मुंह पे होती है वो बस बात बोलने के लिए बट वो निकलता नहीं है कुछ। तो पर्सनल लाइफ में भी क्या कभी आप ऐसे होते हो कि एक्सप्रेस करने की वो मोमेंट होती है बट यू कांट डू इट? सबके होती है, मैं कोई अनोखा थोड़ी हूँ। हम सब इंसान हैं, हम सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी के लिए डिफिकल्ट होता है या फिर शायद होता नहीं है बट क्योंकि सोसाइटी में वो चीज़ है कि वो रोना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता उनके लिए, मर्दों के लिए। हाँ, ऐसा ज़बरदस्ती कोई मर्द नहीं करता है ऐसा बहुत, लेकिन कुछ एक मर्द तो मैंने ये भी देखे हैं जो कि बात बात में रो देते हैं। हाँ। बहुत जल्दी उनको रोना जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं आता है, बहुत सारे अपने इमोशन को जज्ब नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फील करता हूँ, लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली मैं दिखा नहीं पाता हूँ उसको, वो मेरे अंदर में है ही नहीं, लेकिन बहुत सारों में होता है। अमूमन मर्द ज़्यादा रोते नहीं हैं, लेकिन अगर रोना आ रहा है आप नहीं रोएंगे, आप दुनिया के सामने आप छोटे हो जाएंगे रोएंगे तो तब वो गलत है, है ना? हमें ये तो पता है और आपने काफ़ी इंटरव्यूज में शेयर भी किया है कि आप एक प्रोटेक्टिव फादर हैं, बट क्या आप एक प्रोटेक्टिव पार्टनर भी हैं? डेफिनेटली, पहले कुछ ऐसा था कि कुछ ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव था। ओके। हाँ, तो उससे अगले बंदे की आज़ादी में, उसके फ्रीडम में आप इंटरवीन करना शुरू करते हो। बहुत सालों से वो कम हो गया, जब मुझे लगा कि मेरे प्रोटेक्टिवनेस से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा कम कर दिया उसको। ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना, क्योंकि कई बार ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो है ना वो मिसट्रस्ट भी हो सकता है, तो उसको आपको उतनी ही लिमिट तक रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि आप जिसके टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो आप वो इस इंटेंशन से कर रहे हो कि वो आपके पास रहे, बट कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव होने से वो और दूर चले जाते हैं। बहुत चले जाते हैं, क्योंकि अगले बंदे को लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि संबंध बनाए रखने के लिए उतने स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं प्रोटेक्टिव इसलिए होता हूँ कि कोई खतरा ना आए। मेरा प्रोटेक्शन वाला चक्कर दूसरे तरीके से है कि ये कहीं जाके हर्ट ना हो जाए, इन ऑल ऑफ दैट। और जैसे हमें पता चला कि आप भी जब 7 साल के थे तो आप हॉस्टल गए थे, आप बोर्डिंग गए थे, एंड आई थिंक आपकी डॉटर भी बोर्डिंग गई थी। अभी है बोर्डिंग, बोर्डिंग में ही है ये? कोई परंपरा है ऐसे आपके? पर्सनली ये लगता है कि बच्चे जो हैं कम से कम 10-11 साल के बाद उनको हॉस्टल में रहना चाहिए। ओके। और मेनली आज तरह के समाज में जहाँ पर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हो रहा है और हर दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उसमें बच्चों पे खतरा पड़ रहा है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, उनके पर खतरा भी हो रहा है। साइबर वर्ल्ड जो है ना बच्चों के लिए सेफ है नहीं, हम चाहते हैं कि वो पूरे उस गैजेट को सबको समझे लेकिन उस पर पढ़ाई करे। वो कौन है जो फॉलो करेगा उस यंग माइंड को, उस वल्नरेबल माइंड को, कौन क्या कर रहा है उनके साथ में, क्या बातचीत कर रहे हैं, उस यंग माइंड को पता नहीं है। और दूसरा वो स्टडी से एक डिस्ट्रैक्शन होता है, इस उम्र में सबको पढ़ाई तो करनी है, देयर इज़ नो एस्केप टू दैट।
जिस उम्र में जो चीज़ ज़रूरी है वो करनी चाहिए, और हॉस्टल एक डिसिप्लिन देता है। आजकल माँ बाप के एक बच्चा होता है या ज़्यादा ज़्यादा दो बच्चे होते हैं, और उनको ऐसे पालते हैं कि जैसे कि वो बार्बी डॉल है। राजा बेटा, राजा बहुत प्रोटेक्ट करके, हाँ, बहुत, हाँ। बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको लगता है कि इस दुनिया में सबसे अनोखा बच्चा उन्हीं का है। और वो होता है, क्योंकि एक ही बच्चा जब होता है तो आप उसकी सारी मांगें पूरी करते हो। हॉस्टल जाने के बाद आपको लगता है कि यू आर इक्वल, जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं उनमें से आप एक हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ऐसे हॉस्टल गए तो आप ऐसे लाइक आपको इंटरेस्ट था उस वक्त, आप हंसी खुशी गए थे या फिर रिलक्टेंट नहीं गए मैं थे? बहुत रिलक्टेंट था, बहुत रोता था। okay. हाँ, मेरे इनिशियल हॉस्टल के ईयर्स थे वो बहुत ही बुरे थे। सीनियर्स, तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो यस, इनिशियल ईयर्स बुरे थे, लेकिन आजकल जो हॉस्टल्स के 90% हॉस्टल्स के जो माहौल है, मैं कह सकता हूँ वो टीचर्स और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एंड उनकी एक्सपेक्टेशन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर्सनली मैं हमेशा मानता हूँ कि 10-11 साल के बाद बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आप बच्चे का भला नहीं करोगे, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, आप उसको बिगाड़ोगे। बच्चा नहीं बिगड़ेगा, आप ही बिगाड़ोगे अपने प्यार में, अपने लाड में, क्योंकि बच्चा आपका एक ही है। कभी आपने ऐसे बंक वंक किया हॉस्टल में, क्लासेस आप बंक करते थे अपने दोस्तों के साथ? वहाँ पे मौका नहीं लगता है, वहाँ पे नहीं? नहीं नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आपको डिस्पेंसरी में, वहाँ पे जो उनकी अपनी डिस्पेंसरी होती है उसमें डाल देते हैं आपको, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता है, फिर आप बैठे रहिए, आराम करते रहिए, दवाई खाते रहिए। अगर आप बहाना करेंगे तो आपको डिस्पेंसरी में सुला देंगे, सो देयर इज सम, योर फ्रीडम विल बी रिस्ट्रिक्टेड एनीवे, सो इट्स बेटर टू नॉट टू बंक क्लासेस, यू कांट एक्चुअली, इफ यू आर इन हॉस्टल यू कांट। एंड आई थिंक वही डिसिप्लिन ने आपको हेल्प भी किया जब आप बिहार से जब आप दिल्ली आए, और दिल्ली में आके जब आपको खुद अपना सारा कुछ फिगर आउट करना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, अपने थिएटर में भी, आपको कैसे वहाँ पे घुसना था, कैसे जो भी करना था, आई थिंक क्योंकि उस वक्त तो मॉम डैड के साथ नहीं रहते, राइट? तो वो खुद से ही डिसिप्लिन आता होगा कि नहीं, ये मेहनत, ये जद्दोजहद तो करनी ही करनी है। तो वो जब आपका ट्रांजिशन था बिहार से दिल्ली में आके, वो कैसा था? कल्चरल शॉक तो होता ही है। सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या था आपको यहाँ? लड़कियाँ भाग करके डीटीसी बस में चढ़ रही थी। सबसे बड़ा कल्चरल शॉक वो था, एक लड़की ने मुझे धक्का मार दिया, मैं गिर गया और वो जो है पहले चढ़ गई, तो मुझे लगा ये देखो लड़कियाँ यहाँ पे ऐसे करती हैं। यहाँ पे तो ऐसे होता है कि तुमने नहीं लिया तो किसी और ने ले लिया, किसी और ने ले लिया। तो इस तरह के कल्चरल शॉक बहुत सारे मुझे दिल्ली में हुए थे, लेकिन विद इन यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टर ईयर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं बाहर रहता था, कमरे शेयर करता था, बट ज़्यादातर मैं थिएटर करता था, तो माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड वर्क वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर जब आप यहाँ से दिल्ली से फिर आप बॉम्बे शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पे एक अलग टाइप का आपको कल्चर शॉक लगा होगा? बॉम्बे में कोई कल्चर शॉक नहीं हुआ मुझे। okay. नहीं, बिकॉज मैं दिल्ली ऑलरेडी एक बड़ा शहर, तो यहाँ पे इतने साल रहने के बाद जितने सारे आपके स्मॉल टाउन आए हुए या विलेज से आए हुए, गांव से आए हुए किसी के, जितने सारे अपने कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर आपको सिटी में एडजस्ट होने की जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती, वो मैं सॉल्व कर चुका था। काफ़ी एक्सपोजर भी हुआ, काफ़ी अलग अलग जगह जाना हुआ, थिएटर करते हुए बहुत सारा एजुकेशन हुआ, तो उन सब चीज़ों से मैं डील कर चुका था। मुंबई वॉज डिफरेंट इन वेरी डिफरेंट ओनली बिकॉज मुंबई इज़ वेरी इम्पर्सनल सिटी, इफ़ यू डोंट हैव वर्क देन नोबडी हैज़ टाइम फॉर यू, काम से काम। हाँ हाँ, सो उसको लेकर के बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, दिल्ली की ना एक बहुत फेमस, दिल्ली के लोगों की एक फेमस लाइन बना रखी है, और वो ये है कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, या फिर तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है। ऐसे कोई बिहार की कोई ऐसे यू नो तकिया कलाम कोई है वहाँ का, कोई भोजपुरी में ऐसी वो जो बहुत फेमस सी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को सबसे प्रॉब्लम होती है कि दिल्ली में गाली बहुत देते हैं ना बातचीत में, तो अच्छा बिहार में नहीं देते ना, इस तरह से उस तरह से आप माँ बहन गाली बातचीत में दोस्त यार भी नहीं दे सकते। okay. वहाँ पे दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे वो, ऑफेंस ले लेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ऑफेंस लेते हैं उन सब चीज़ों का, तो मैं बहुत ऑफेंस लेता था यहाँ पे, मारपीट भी हो जाती थी। okay. आपकी कभी मारपीट बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत होती थी। प्लस दिल्ली में एक जिससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम रही हमेशा से कि द गर्ल्स नेवर फेल्ट सिक्योर हियर, सो और डीटीसी बस में हैं, किसी की छेड़खानी हो गई, तो मैं ऐसा था कि मतलब ट्रू समैरिटन था, मतलब झगड़े कर लेता था मैं किसी लड़की को कोई बचाने के, हाँ, बचाने के चक्कर में, बाद में पता चलता था कि पुलिस स्टेशन तक पहुंचे तब तक लड़की ही भाग गई। तो
लड़की को धोखा दे दिया मेरे लिए नहीं, वो नहीं कर, बट आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज शी डिडंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल. मैं थोड़ा सा क्या कहें, गुस्से वाला आदमी था, तो मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी. बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं दिल्ली शहर में. बहुत एक किस्सा जो आपको कभी ऐसे याद आता है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. क्या है कि अब क्या बात करना सब चीज़ों के बारे में. ओके, जैसे आपने अभी बोला कि आप पहले बहुत गुस्से वाले थे, बट अब जब हम आपको देखते हैं, आप इतने ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा कंपोज्ड, एंड आई थिंक आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन भी आया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो कैसे हुआ? वो बचपन से था मेरे अंदर में. इट्स जस्ट दैट यू गेट द डायरेक्शन ओनली आफ्टर फ्यू इयर्स, एंड इफ यू आर लकी देन यू गेट अ स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल गुरु. नॉट दैट एवरी गुरु इज फैंटास्टिक, बट आई ऑल्सो फील दैट यू नो यू शुड बी लकी इनफ टू बी blessed by one, and I was in this regard I was a blessed one, so I found one. It put us on a path of on seeking more and trying to find answers, which is very very important for me now. My work is important. Pehle mera kaam sabse zyada important tha, baaki kuch bhi nahi. And now mera jo spiritual practice hai aur mera jo spiritual journey hai, which is as equal as important as my job as an actor. अगर आपको एक्सप्लेन करना होता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी टू अ 5 year old, तो आप कैसे करते? स्पिरिचुअलिटी आपने बोला तो इसमें क्या क्या वर्ड? स्पिरिचुअल, स्पिरिट, स्पिरिट, वेरी गुड. एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बिहेवियर ऑफ स्पिरिट. वी ऑलवेज थिंक दैट द बॉडी दैट वी हैव इज द ट्रूथ, बट आप ये बॉडी जिंदा क्यों है? देयर इज अ सोल देयर, देयर इज अ स्पिरिट देयर. Spirit is there, and it's the spirit's karma that spirit has found this body. But this body is not doing anything to nourish the soul inside the body. Okay, so spirituality is nourishing your soul, finding right answers for your existence, for this life and the life beyond. जब soul निकल जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते हैं कि जैसे मैं अगर मेरे सोल निकल जाए, मान लो हॉस्पिटल में मैं गुजर गया, तो साधिका फ़ोन करेगी मेरे भाई को, कहेगी क्या क्या हो रहा है, तो मेरा भाई बोलेगा बॉडी यहाँ बॉडी को लेके जा रहे हैं, बॉडी को अभी हम नहला रहे हैं, बॉडी को तैयार किया जा रहा है, बॉडी यहाँ से घर जाएगी, बॉडी वहाँ से शमशान जाएगी. तो हर चीज़ मनोज कह के नहीं बोला जाएगा. क्या कहते हैं आप? बॉडी. जब तक सोल है तब तक उसका नाम है, तब तक आपकी बॉडी का अस्तित्व है, तब तक अस्तित्व है. सोल निकल गया, अब वो अपनी दूसरी जर्नी पे गया, अब वो शायद दूसरे नाम के साथ पैदा होगा. तो इसीलिए द ट्रूथ इज नॉट द बॉडी और द अचीवमेंट और अटैचमेंट विद दिस बॉडी और एनीथिंग और दिस इंटरव्यू. इट्स ऑल पासिंग, इट्स ऑल इन ट्रांजिशन. द मेन पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू नरिश योर सोल एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर. मेको आपकी इन वाली बातों से इतना ज़्यादा दिमाग में ना कनेक्शन जा रहा है भागवत गीता के उस पर. ऑफकोर्स भागवत गीता मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, बट मेरा इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए. और मैंने रिसेंटली ये चीज़ शायद कहीं पे पढ़ी थी उसके बारे में कि वैसे तो कहा जाता है कि भागवत गीता एक डायलॉग था बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण जी जो कुरुक्षेत्र के टाइम पे हो रहा था, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे फैमिली और धर्म के बीच में. बट इसकी एक ऐसी भी इंटरप्रिटेशन है कि वो एक एक्सटर्नल डायलॉग नहीं है, वो एक इंटरनल डायलॉग है एक आदमी का बिटवीन द माइंड एंड द ईगो. एंड कहीं ना कहीं जैसे आप जो ये चीज़ें बता रहे हो मटीरियल उसमें या फिर इन द मोमेंट रहना या फिर डिसाइड करना आपके लिए कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और यू नो क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं सडनली आई एम टेकन बैक टू यू नो दोज एंटायर लर्निंग्स. आई थिंक इट्स वेरी नाइस एक मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेकर. हाँ, मॉडर्न डे. मैं कल आज बोलूँ कि सब कुछ मोह माया है और मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, तो एक्टिंग नहीं करोगे तो खाओगे क्या? दैट्स द कर्मा दैट आई हैव टू डू. आई एम बॉर्न विद इट एंड माई सोल एज पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर दिस सोल. ओके, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम इट, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू हर्ट समवन. सो इट्स बेसिकली कर्म के सिद्धांत को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया उसमें, और उसके बहुत डीपर मीनिंग है. हु एम आई? आई एम जस्ट another human. I'm still learning, educating myself, trying to understand and the importance of realization, which is right now taking all my focus away from everything. आपने एक इंटरव्यू में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आपके एक इंटरव्यू में आपने एक लाइन बोली थी जो आपके आई थिंक काफ़ी सारे फैंस के दिल को छू गई थी. वो लाइन ये थी कि कभी भी किसी जिस इंसान को सफलता नहीं मिलती उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए. या
That's such a fantastic line that mother gave it to me. She really put everything, in perspective. Just when I got success, she's pulled me down on the ground, and which was such an amazing thing. And that's such a truth. Ki there are many other actors, there are many other human beings who are, as talented as me or more than me. Just because they are not getting a breakthrough, that doesn't make them any less of a human being, less of an actor. And my mother said it in, so well. In one line, I got the truth. I got the idea to, to behave or to be after that. तो जब वो बीच का टाइम था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और वो स्ट्रगल भी क्या क्योंकि शायद आपको एक पर्टिकुलर आप किसी भी रोल को नहीं करना चाहते थे आपको था इनफैक्ट आफ्टर सत्या जितने आपको रोल्स मिल रहे थे कुछ नेगेटिव रोल्स भी मिल रहे थे एंड यू आपको शायद आप ये नहीं चाहते थे कि आप टाइपकास्ट हो जाओ उस रोल में और फिर करने के लिए कुछ कर दूँ तो उस टाइम पे आई थिंक जितने आपके कंटेम्प्रेरीज थे लोग बोलना शुरू हो चुके थे कि वो एक राइवल की तरह वो उनको पिच करते हैं बट शायद असली में ऐसा होता है या नहीं होता आपसदारी में वाले इमोशन होता है कॉम्पिटिशन का कंपटीशन दूसरे करते होंगे मैं नहीं करता किसी से मैं मेरा बड़ा बहुत बहुत ज़्यादा मैं राइट लेफ्ट देखता नहीं हूँ मेरा फोकस हमेशा अपने काम पे है और उस काम को लेकर के मैं परेशान रहता हूँ या उस काम में मेरा इंटरेस्ट रहता है मैं दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पर अगर ध्यान देने जाऊँगा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा तो इससे अच्छा है अपने काम पर ध्यान दीजिए अभी बंदा रिलीज़ हो रही है बंदा का प्रमोशन चल रहा है तो ये मेरे लिए ज़रूरी है अब दूसरे किसकी रिलीज हो रही है किसका प्रमोशन चल रहा है मैं ध्यान देने जाऊँगा तो मर जाऊँगा है कि नहीं अब आपकी फिल्म जो रिलीज हो रही है उसका नाम है सिर्फ एक बंदा ऐसा ही तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है तो वो पहली बार आपने कोर्टरूम ड्रामा किया है तो ऐसा कोई और जॉनर आप अपने दिमाग में है कि जैसे ये आपने पहली बार किया तो नेक्स्ट आपको कुछ ट्राई करना या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कोई क्योंकि अब ओटीटी के साथ इतने डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं अब सडनली एवरीथिंग इज इन द रीच आप कर सकते हो ऑडियंस है उन सारी चीज़ों के लिए तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप ट्राई करना चाहते हो आपने अभी तक नहीं करी पता नहीं अब जैसे ये कोर्टरूम ड्रामा मैं पहली बार कर रहा हूँ इसका आइडिया नहीं था कि मैं पहली बार कर रहा हूँ अचानक से मुझे बताया गया कि ये पहली बार मैं कर रहा हूँ लॉयर का रोल कर चुका हूँ मैं शुरुआती दिनों में दूरदर्शन पर काम कर एक सीरीज करता था स्वाभिमान उसमें मैं लॉयर बना था लेकिन उसमें कोर्टरूम नहीं था और ये प्योरली कोर्टरूम ड्रामा है तो मैं पहली बार कर रहा हूँ और दूसरा कि फोकस इस बात पे रहता है कि जो स्क्रिप्ट आ रही है उसमें से बेस्ट स्क्रिप्ट चूज़ करूँ ऐसी स्क्रिप्ट जो एकदम नए तरीके की हो ऐसा रोल जो पहले कभी नहीं किया कुछ नया दिखाने को करने को मिलेगा उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है एंड आई थिंक इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कल्ट क्लासिक रोल्स जो निकले हैं वो आपकी मूवीज से निकले हैं चाहे वो सरदार खान हो गया चाहे वो श्रीकांत तिवारी हो गए चाहे वो सत्या में भीकू माथरे वो हो गया वैसे कभी कभी आपके दिमाग में वो चीज़ आती है उनकी एक फेमस लाइन थी मुंबई का डॉन किंग कॉन कभी कभी वो लाइन बीच में आती है कि कहीं ना कहीं रियलिटी हो गई वो असली में नहीं ऐसा कोई रियलिटी नहीं हुआ है ना मैं किंग हूँ ना कोई मेरा किंगडम है मैं एक अकेला चलने वाला मुसाफिर हूँ और मैं उसको मुसाफिर की तरह से ही देख रहा हूँ बस पूरी चीज़ को अभी आप रिसेंटली न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल गए और वहाँ पे आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिली वो फीलिंग कैसी थी वो मोमेंट देखिए जब हम लोग फिल्म बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं ऑडियंस को दिखाते हैं हम तो हमारी बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है एंग्जाइटी नहीं रहती मेरे अंदर में एंग्जाइटी नहीं होती कभी भी नहीं 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 मैं एंग्जाइटी वाला आदमी मतलब हूँ ही नहीं अगर मुझे किसी बात की एंग्जाइटी होगी भी तो मैं जाकर सो जाऊँगा ताकि मैं जब मैं उठूं तो फिर से एकदम अच्छा रहूं लेकिन उत्सुकता बहुत होती है जानने की कि भाई कैसी बनी है फिल्म लोगों को कैसी लग रही है मेरा जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह उसकी पहली फिल्म है वो काफ़ी एंग्शियस था जानने के लिए कि वहाँ से रिपोर्ट क्या आ रही है बट जब फिल्म हमने देखी थी तो फिल्म हमें अच्छी लगी है देर वॉज डेफिनेटली एन अश्योरेंस कि यार फिल्म तुमने अच्छी बनाई आप अपनी फिल्म की सक्सेस कैसे मेजर करते हैं बिकॉज मुझे लगता नहीं कि आप वो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स वाले इंसान हैं कि नहीं अगर 1,000 करोड़ कमाएगी तभी सक्सेसफुल है मेरा कहना है कि आप सक्सेस और फेलियर पे क्यों जा रहे हैं आप अच्छे और बुरे पे क्यों नहीं जा रहे हैं ये फिल्म अच्छी है ये फिल्म अच्छी नहीं लगी मुझे बुरी फिल्म और बुरी लगने के लिए 100 करोड़ का कमाया तो वो अच्छी है और 10 करोड़ कमाया तो बुरी है उस हिसाब से मैंने ज़्यादातर फ्लॉप फिल्मों में काम किया है अगर वो अगर देखा जाए मापदंड है तो मैंने ज़्यादातर बुरी फिल्मों में काम किया है मेरी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस नंबर लेके नहीं आई हैं
तो इसका मतलब यह है कि मुझे इंडस्ट्री छोड़ देना चाहिए। तो इस पूरे मापदंड से मुझे बिल्कुल एतराज़ है और मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि आप बुरी फिल्मों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बुरे फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कुछ भी सब्जेक्ट ले लेंगे, किसी तरह से डेट मिल जाए, किसी तरह से बना दें, चलेगी तो अपने आप सब सही हो जाएगा। ये जो पूरा एटीट्यूड है ये हेल्दी नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। वो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ अगर ये नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा, अगर मैंने अच्छा नहीं बनाया, अगर अपना सब कुछ नहीं डाला इसमें, देन मैं गिल्टी अपने दिमाग में रहूँगा, वो बर्दाश्त नहीं है। वो तो द मोमेंट यू फोकस ऑन बॉक्स ऑफिस नंबर यू टेक अवे द कल्चर ऑफ पैशन लव। मटेरियलिज्म से क्रिएटिविटी को जितना जोड़ के रखोगे आप उतना जो है आप मीडियोक्रिटी को बढ़ावा दोगे। जो बॉक्स ऑफिस नंबर आ रहे हैं क्या वो मेरे पिताजी की जेब में जा रहे हैं? किसके पिताजी की जेब में जा रहा है? किसी के नहीं जा रहा है। वो प्रोड्यूसर की जेब में जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाएगा, जो कि बनता है उनका भाई, उन्होंने पैसा लगाया था तो उनका बनता है। और मैं खुद भी चाहूँगा कि भाई मेरा प्रोड्यूसर और कुछ नहीं तो अगर आप 10 करोड़ रुपये लगाएं तो 10 करोड़ रुपये मिल जाए, वापस मिल जाए, ताकि वो दूसरी फिल्म मेरे साथ बनाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर पैसा कमाने वाली फिल्म अच्छी फिल्म है और हर फिल्म जिसने पैसा नहीं कमाया वो बुरी फिल्म है। उस लिहाज से मुझे अब तक इस इंडस्ट्री से गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस नंबर के हिसाब से काम, अगर उसकी क्वालिटी को माना जाएगा तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ बुरी फिल्मों में काम किया है, क्योंकि वो फिल्में चली ही नहीं है। क्या भोसले चली, क्या अलीगढ़ चली, क्या शूल चली, क्या पंजर चली, क्या अक्स चली, कोई नहीं चली 1970 में, कोई नहीं चली। तो कैसे के टाइम पे याद करते हैं तो लोग वही याद रखते हैं। अब OTT पे जितनी सारी फिल्में मेरी आई हैं लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन किसी को पता नहीं कितना पैसा कमाया, क्योंकि वो OTT पे है। सो दैट कल्चर आई वांट व्हिच इज देयर ऑन OTT। और आई थिंक वो वाला जो कल्चर आ गया था ना कि एक फॉर्मुलाइज कर दिया था मूवी को बनाना, कि एक गाना डाल दो, एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, एक फाइट सीक्वेंस डाल दिया, एक इंटरनेशनल सीक्वेंस डाल दिया तो बन गई है। बट आई थिंक OTT ने वो ब्रेक किया है। जी बिल्कुल, वो जो ये कल्चर जो है होना चाहिए कि भाई हम सब सिर्फ फिल्म हमको कैसी लगी उसकी बात करें, आपको नहीं अच्छी लगी, उनको अच्छी लगी, उनको अच्छी लगी, इनको नहीं अच्छी लगी, कि ये नहीं कि अरे 100 करोड़ कमाया यार, ये तो बड़ी कमाल हो गया, ये तो अच्छी फिल्म है, ये तो चल मैं भी आके देखता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको पता करना है तो जाइए अपने दोस्त, आपने देख के आए उनसे पता कीजिए आपको अच्छी लगी, वो बोलेगी आपको कि अरे यार पैसे डूब जाएंगे तेरे, मत जाके मत दे। अब तो 10 लोगों में से कम 7 लोगों ने बोला कि भाई पैसे डूब जाएंगे मत जा, तो आप कहते हैं कि नहीं जाऊँगा। 3 लोग कहेंगे अच्छी है, नाउ इट्स अप टू यू कि मैं सादिका की बात को सही मानूँ या जो दूसरा बंदा है, तो नहीं यार वो जो बंदा है ना वो कह रहा है अच्छी फिल्म है तो मैं उसके ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मैं उसके हिसाब से जाकर देख लेता हूँ। ना सादिका के पॉकेट में पैसा जा रहा है, ना उस बंदे के पॉकेट में पैसा जा रहा है, अगर कमाया भी है फिल्म ने तो। और अगर आप फिल्म देखते हैं तो आप अपने लिए बोलिए कि भाई आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। आप ये मत बोलो कि यार हिट जा रही है, भाई हिट तो कई कारणों से जाती है। सही बात है। हमें एक चीज़ पता चली कि आप एक तो कि आपके जो मैनेजर हैं वो 35 ईयर्स से सेम मैनेजर, 28 ईयर्स। एंड मुझे ये चीज़ एक्चुअली सुन के बहुत ज़्यादा रिमार्केबल लगी, क्योंकि इंडस्ट्री में आके ना 25 ईयर्स। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ऐसे इंडस्ट्री में आके ना बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं छूटते, बट बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके साथ चले थे उन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा। कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो लोग हैं साथ में वो रहें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं यार मुझे याद अभी सूट नहीं हो रहा है याद, तो फिर उनसे बात करके या तो वो लोग अपने आप को सुधारें, अपने काम को सुधारें, या फिर हम एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर देते हैं। मेरे मैनेजर जो हैं वो उन्होंने अच्छा काम किया, अभी तक अच्छा काम किया, हमने एक दूसरे को सुधारा भी, एक दूसरे को समझा, और वो रेडी थे मुझे समझने के लिए, मैं रेडी था उनको समझने के लिए। अगर आप IPL या क्रिकेट देखते हैं, अगर जैसे आपको एक लिविंग लेजेंड बोलते हैं सिनेमा का, वैसे एक और लेजेंड जो ऐसे एक छोटे शहर से ऊपर आए उनका नाम है MS धोनी। तो मैं जानता हूँ महेंद्र सिंह धोनी को, दुनिया में कौन नहीं जानता है। मतलब इतना मशहूर, इतना पॉपुलर और इतना टैलेंटेड क्रिकेटर, और एक छोटी सी जगह से आ करके इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। और दोनों ही छोटी जगह से आए हुए हैं, दोनों का कल्चर एक जैसा है, झारखंड तो बिहार में था पहले, तो हम लोगों का खाना पीना, हम लोगों का रहन सहन, बातचीत करने का अंदाज़ एक ही है। और मैं तो मतलब मन ही मन
धोनी के सक्सेस को, धोनी के पूरे शख्सियत को, पूरे व्यक्तित्व को मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसने सक्सेस को कभी करप्ट नहीं करने दिया, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो हमेशा अपनी धरती से, अपने रूट से, अपने परिवार से, अपनी जगह से हमेशा जुड़ा रहा, जो कि वो इजी काम नहीं होता है। उसके लिए आपके अंदर में एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एक स्पिरिचुअल साइड आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और धोनी को देख के लगता है कि आदमी जो है बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। जैसे आपने भी बोला ना कि आपने भी यू मेड श्योर कि वो सक्सेस आपके सर पे ना चढ़े, आपने अपने आप को हम्बल रखा, आप अपनी रूट्स को अभी भी बहुत क्लोजली होल्ड करते हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब सक्सेस पाते हैं ना तो उसका चार्म बहुत अलग होता है, क्योंकि फिर ना एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है कि मैं एक थिएटर में बैठ के आपकी मूवी देख रही होंगी, सक्सेसफुल आप हो रहे होगे, पैसे आप कमा रहे होगे, फेम आपको मिल रहा होगा, बट कहीं ना कहीं सैटिस्फैक्शन मेरे को भी मिल रही होगी, क्योंकि वो अपनेपन वाली चीज है। थैंक यू। तो जब आप कभी अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो याद करते होंगे उस टाइम पे जब आप, क्योंकि आई थिंक आपके दोस्तों ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पूरे टाइम जब आप दिल्ली में भी स्ट्रगल कर रहे थे, आई थिंक आपके दोस्त ने आपको वर्कशॉप के लिए पहली बार पैसे दिए थे कि जाके यू नो गो फॉर इट। हाँ बिल्कुल, आज तक मैं उनके संपर्क में, इस बार बंदा के प्रमोशन में दिल्ली आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, आप लोगों के साथ में इंटरव्यू भी करना है और इंटरव्यू लंबा चलता है, फिर उसके बाद थक जाता हूँ, फिर सोने का मन करता है। तो अगली बार जब फिर आएंगे फिर मिल लेंगे उनसे, तो उनसे मिलना जुलना अभी तक हम एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के फैमिली को जानते हैं, एंड दैट रिस्पेक्ट विल ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर। तो दिल्ली आके कभी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कोई ऐसी कोई जगह है या कुछ खाने की जगह, जैसे आप यू आर वेरी बिग फूडी राइट, बट आप काफ़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आप कहते हैं उसको नाम दे दिया, वो करते हैं। हाँ काफ़ी काफ़ी जगह है, कमला नगर में आपको छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, नथुस के छोले भटूरे, ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ क्योंकि अभी इंडल्ज नहीं कर पाता हूँ, अभी मेटाबॉलिज्म उस तरह की तो रही नहीं। फिर आपको ओखला वगैरह के नॉनवेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जामिया नगर वगैरह के वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और क्या जानना चाहती हैं, चांदनी चौक पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, अब जो है मैंने खाया तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा क्वालिटी डाउन कम हो गया, कम हो गया, मेरे ख्याल से क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बढ़ गए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, तो शायद इसलिए भी क्वालिटी थोड़ा नीचे चली जाती है। एंड नाउ आफ्टर हैविंग टॉक्ड अ लॉट वी विल मूव ऑन टू अ गेम सेक्शन विद मनोज बाजपाई। आर यू रेडी? आई एम रेडी। तो हमारी पहली गेम का नाम है रील ऑफ इम्प्रेशंस। इसमें हम आपको दो तीन कैरेक्टर्स देंगे आप ही की मूवीज के, और आपको उनकी तरह अगर एक आप कोई डायलॉग बोल के दिखा सकते हैं तो अगर आप होते रमाधीर सिंह फ्रॉम ज्ञानजो वासेपुर, क्या करता मैं? तो कोई एक डायलॉग उनकी तरह बोल के, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप होते मान्या सुर्वे फ्रॉम शूट आउट एट वडाला, मान्या सुर्वे जॉन ने किया था ना, वो क्या बोलता है मुझे डायलॉग याद नहीं है, तुमको भी याद? एक तो मार धाड़ वाले इतने ज्यादा वो है ना, तो उसमें तो मैं बॉडी शॉडी भी दिखाना पड़ेगा मुझे, सिक्स पैक जॉन की तरह से वो तो है नहीं। इफ यू वर कल्लू मामा फ्रॉम सत्या, इफ आई वाज कल्लू मामा, ऐसा सत्या दिमाग ठीक कर, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट गेम का नाम है एक्सेंट चैलेंज। आपको ये लाइन है, बहुत फेमस डायलॉग है, इसको ट्राई करना है बोलने का भोजपुरी में। शिट। कौन कमबख बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। कौन बकलोल बर्दाश्त करे खातिर पियला, हम तो पियने की तरह के देखी निहारी तरह के देखत रही। नाइस। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, एक बार हम जो कह देनी तो कह देनी, ओकरे बाद तो हम अपनों के नाम बर्दाश्त करे नहीं। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करेगी। कहा जला है कि अगर तू कोनो चीज दिल से तरह चाही पूरा आकाश में एक बार चिल्ला के देख मिल जाएगी। सो कूल। एक लास्ट, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। शाहरुख खान की फिल्में लेके आई है आप, बहुत बड़ी फैन है आप। मेरी क्रू है? बहुत बड़े फैन है वो। क्रू है या बताइए कौन है ये? नहीं मतलब मैं हूँ वैभव, हमारे जो सबसे छोटे मेंबर है क्रू के वो वैभव ने लिखा है। वैभव ने लिखा है। ओके। ओ तो ये मतलब पूरा शो जो है शाहरुख देखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे एक सनी देओल का भी है। क्या है? ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये 2.5 किलो का हाथ तरह के मारे तो उठबो ना धसिए जेबो। नेक्स्ट गेम है अप क्लोज एंड वेरी पर्सनल।
इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे थोड़े से पर्सनल। एक फूड आइटम जो आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते? बिरयानी। बिरयानी कहाँ की? लखनऊ की। आपका बिगेस्ट पेट पीव? व्हाट इज पेट पीव यार? इरिटेशन मचती है जिससे। ओके, जब कोई पंक्चुअल नहीं होता है तो। मैं तो आप लोगों के काम के लिए सुबह 8 बजे से तैयार था, लेकिन मेरे जो पीआर टीम है और मेरा स्टाफ, वो पंक्चुअल नहीं था मुझे तैयार करने में, तो मैं थोड़ा डांट भी पड़ी उनको। ये क्वेश्चन लिखते हुए मेरे मन में आ रहा था कि आप यही बोलोगे। कोई एक आपका गिल्टी प्लेजर? शैंपेन। ओके, या वेरी नाइस। इस नेक्स्ट गेम का नाम है #ZenModeOnWithPebble। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसका आंसर बहुत रैपिडली देना है। ओके, ठीक है। सो मैं ऐसे 5-10 सेकंड के अंदर अंदर आपको देना है, बट वाइल कीपिंग योर जेन मोड ऑन। तो मैं बस एक सेकंड टाइमर लगा दूं यहाँ पे। ओके, एक जेंजी स्लैंग जिसका मतलब आप जानना चाहते हो? ROFL। उसका मतलब होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, कि मतलब आपकी बात सुन के इतनी हंसी आ गई। इट इज सो इंटेलिजेंट। चलो, आपके टॉप 3 फेवरेट एक्टर्स करंट क्रॉप में, मतलब जो नए नए आए हैं अभी? विजय वर्मा, गुलशन देवैया और क्या नाम है, बहुत सारे, विकी है। 3 मूवीज व्हिच यू रिग्रेट टर्निंग डाउन? आई डोंट रिग्रेट, आई हैव नॉट टर्न डाउन एनीवन दैट बिकेम सो सक्सेसफुल और सो लेजेंडरी। आपको मेरी चॉइसेस माननी पड़ेगी। वो तो माननी पड़ेगी। यस, ट्रू दैट। ओल्ड स्कूल एक्शन लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर मॉडर्न डे एक्शन लाइक द फैमिली मैन? Family man. Theater or films? Theater. Perfect. Action heavy roles या फिर emotionally driven roles? Emotionally. कोई एक ऐसा रोल जो किसी और ने किया बट आप सोचते हो कि शायद आप भी वैसा रोल कर सकते थे? बहुत सारे। बहुत सारे, कोई एक जो आपको? मुश्किल है, क्यों मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं है, because it will not be regarded as in good taste. ठीक है। इस next game का नाम है मीम चैलेंज। इसमें हम आपको कुछ आप ही के फेमस मीम्स दिखाएंगे जो पूरी ऑडियंस और फैंस, मुझे पता है कि ये सारे के सारे एंबैरेसिंग मीम्स हैं। एंबैरेसिंग है बट हम लोग डेली उसमें यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो आपके कोई ना कोई डायलॉग हम लोग चिपका देते हैं। तो हम बस आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं उन मीम्स को लेके। आर यू रेडी? पहला मीम है ये। ओके, इसमें बहुत सारे आते हैं। कभी आपके आपके भाई बहनों से ऐसी लड़ाई हुई है? 6 भाई बहनों के बीच में? नहीं नहीं, मैं हमारे में वो मारपीट वाला चक्कर नहीं है, वो एक दूसरे को चीख चिल्ला लिया हो गया। ओके, नेक्स्ट फिल्म, चाबी कहाँ है? दिस इज मोस्ट एम्बैरेसिंग नाउ, दिस इज चाबी कहाँ है इज बिकम अ यू नो अनदर पेट पीव फॉर मी। ओके, When someone comes to give you free advice. हाँ, ये वाला जो है मुझे करते हुए नहीं पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मीम फैक्ट्री जो है उनकी फेवरेट हो जाएंगी। बट या फैमिली मैन के मीम्स देख करके हंसी भी आती है और ये भी अच्छा भी लगता है कि यार एक सीरीज जो हमने किया, ईच एंड एवरी शॉट एंड ईच एंड एवरी सीन आइकॉनिक। आई थिंक पॉप कल्चर मोमेंट तो तब बनी थी फैमिली मैन में जब आपने उस बॉस को मारा था। मतलब ऐसा लग रहा था जितने सारे लोग 9 to 5 वो वाली जॉब कर रहे हैं ना, उनके अंदर की वो जो भड़ास थी वो एपिसोड देख के निकल गई। हाँ, ये सही था। When my friend is eating biryani alone. Okay. ये बेटा पाप लगेगा तुझे, ये इम्प्रोवाइज किया था मैंने। अच्छा, ये इम्प्रोवाइज किया था। अच्छा, अरे क्यों किया मैंने ये। बट आपके इतने फेमस डायलॉग्स कुछ तो, मतलब वो गाली का इम्पैक्ट, अगर शायद आप गाली ना देते तो शायद वो इम्पैक्ट भी ना आता। जी, मैं गाली वही उसी जगह पे मैं डालता हूँ जहाँ पर, या डालने देता हूँ अपने डायलॉग में जहाँ पर मुझे लगता है कि उसके बिना ये सीन या ये कैरेक्टर इस सीन में जस्टिफाइड नहीं होगा, तो इसलिए डालता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लेकिन बनारस में बोलचाल की भाषा में गाली देते हैं लोग, और मेरी अपने बैक स्टोरी जो बनाई थी श्रीकांत तिवारी की, वो मैंने बनारस का बनाया था। तो बाद में मुझे जब तैयारी कर रहा था, ये रिहर्सल कर रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसमें गाली जोड़ना चाहिए बिकॉज वो भी उसी जगह से आता है, एंड दैट्स हाउ इट बिकेम यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू यूज़ वन ऑफ यूज़ हियर एंड देयर बट नॉट अननेसेसरली। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट यू नो यूजिंग इंटिमेट सीक्वेंसेस और अब्यूज़ जस्ट टू सेंसेशनलाइज पीपल। मतलब जहाँ पे वो डिमांड आ रही है तो वो नेचुरली निकलती है फिर। आई थिंक मैं मुंह खोलता हूँ तो झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसकी मतलब वो उसकी शादी जो है बहुत ही मतलब ये सॉन्ग
क्या कहें, खतरे में है, तो ही इज फ्रस्ट्रेशन है। बट ये वैसे हर मर्द की होती है कहीं ना कहीं। जैसे मेरे पापा कभी कभी यू नो उनका मन शायद कभी कभी बहुत कर रहा होता है कि वो कुछ बोल दें, बट फिर वो चुप रह जाते हैं, उन्हें पता है कि कलेश हो जाएगा। कलेश हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत सारी आपके साथ होता है, कभी घर पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बार कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो क्योंकि कलेश का डर लगा रहता है। आई थिंक वो हर घर की कहानी सेम है इन चीजों में। और क्योंकि आपने ये गेम सेक्शन इतनी अच्छी तरीके से एस किया, वी वांट टू गिफ्ट यू अ स्पेशली क्यूरेटेड हैम्पर बाय विलन टू मैच योर वाइब। ओह बाबा, इसका ब्रांड का नाम है विलन। विलन, ओह गॉड, बट क्या अच्छा है ये। वो तो आप अच्छा नहीं होगा तो लौटा दूंगा तुमको। अच्छा नहीं होगा तो देखो, हाँ हम वापस ले लेंगे, कोई बात नहीं। वाह, विलन टू द ओजी विलन। मैंने विलन तो कभी किया नहीं है। तो ये राजनीति क्या, ये क्या इसमें परफ्यूम है? ये परफ्यूम है, बट ये बहुत डिफरेंट स्टाइल में एक राजनीति में किसने कहा कि मैं विलन था? दो परिवार के बीच की लड़ाई थी। अब आपको रणबीर कपूर बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं विलन था उसमें। नहीं नहीं, मेरे को तो वैसे भी लगता है कि जिंदगी में इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है। ये भी, ये सारे, ये भी, ये सारे परफ्यूम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट उसके, तो आप ट्राई कर सकते हो। द जोकर, द जोकर, ये मुझे बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगता है। हाँ जी, अक्स देखी आपने? हाँ, बट बहुत टाइम पहले। जी, देख लेना, वापस देख लेना। वीकेंड बिंज वॉच। जी, ये अच्छा, ये सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फेस वॉश। अच्छा, फेस वॉश है। वैसे आप अपने स्किन केयर के लिए कुछ वो स्पेसिफिक करते हो? सनस्क्रीन इट्स एडवाइजेबल। सनस्क्रीन जो है हमेशा लगाते रहिए, हमेशा। हाँ, सनस्क्रीन से ज़्यादा अच्छा ना जो फेशियल केयर के लिए कोई और चीज़ है ही नहीं। मॉइस्चराइजर भी नहीं है, मैं आपको सच में बताऊँ, बट मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर फेस एंड ऑल्सो फर्स्ट थिंग यू शुड आफ्टर टेकिंग शावर यू नो अप्लाई इज सनस्क्रीन एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन। ग्रेट टिप फॉर ऑल द मेन आउट देयर। और इसी नोट पे वी वुड टेक योर लीव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सारिका। वी विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड। अंटिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंस एक्सपी। यस, एंड कीप गिविंग मी हैम्पर्स।